बाबू यादव को रिहाई करना। पूरे बिहार में जन अधिकार पार्टी सामूहिक उपवास पर है, हम लोग भी सामूहिक उपवास पर हैं। हमारा उपवास 4 घंटे के लिए था, हम अब समाप्ति की ओर है और यह प्रदर्शन करके हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि किसी शेर को पिंजरे में बंद करके तुम चैन से नहीं सो सकते हो। अगर शेर को पिंजरे में बंद किया है तो उसका जामबाज सिपाही इस नीतीश कुमार के सत्ता को नष्ट नाबूद करने का हम पूरा शक्ति रखते हैं और इसीलिए आज हम अपनी उपवास के साथ प्रदर्शन करके मधुबनी जिला जो शहीद सूरज नारायण सिंह देव नारायण गुरमैता और शहीद परमेश्वर यादव का धरती है, चाहे आज जयप्रकाश नारायण का या स्वतंत्रता आज के दिन हम यह शपथ लेने के लिए आए हैं कि जब तक पप्पू यादव को रिहाई नहीं किया जाएगा हम लोग अनवरत आंदोलन करते रहेंगे। यह आंदोलन का हमारा एक कड़ी था, इसीलिए खासकर हम मीडिया के साथियों से हम कहना चाहते हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या यह सत्य हुआ है जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 32 साल पुराने केस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार करके उनके जान के साथ खेला जा रहा है, उनकी हत्या की साजिश है। मैं फिर मांग करता हूँ कि जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब का वह मौत नहीं हुआ था वह हत्या हुआ था, उसी प्रकार से बिहार के गरीबों के मसीहा दलितों की आवाज और नौजवानों के जुबान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करके डीएमसीएच में हत्या करने की साजिश चल रही है। लोकतंत्र में यह सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है कि हम अपनी ताकत और प्रदर्शन के माध्यम से हम इस सरकार को अलग जगाने का काम करते हैं। नीतीश कुमार जी, आज जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति दिवस है, आज के भी दिन आपको याद करना चाहिए। आप कहते हैं हम जन नायक कर्पूरी ठाकुर के शिष्य है, आप कहते हैं हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी है, आपको शर्म से मर जाना चाहिए। आपको सत्ता में रहने का एक भी पल अधिकार नहीं है। जो राजीव प्रताप रूढ़ी सैकड़ों एम्बुलेंस को अपने था, सिर्फ पप्पू यादव उस खजाने को हटाने का काम किया था जिससे आम आवाम को वह एम्बुलेंस मिल सके। नीतीश कुमार जी, आपको सोचना चाहिए, पप्पू यादव की नहीं गिरफ्तारी होनी चाहिए, राजीव प्रताप रूढ़ी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी, आपके कुछ लुच्चे और लफेंगे पप्पू यादव को चुनौती देता है। मिथिलांचल के इस भूमि से हम आपके लुच्चे और लफंगे को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। जिस तरह कोई माइक का लाल धरती को आसमान में नहीं मिला सकता, उसी तरह पप्पू यादव से कोई टकरा नहीं सकता। हम इस डबोर संखी सरकार के लिए यह अल्टीमेटम देना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी अभी भी आपको संभलने का मौका है, संभलिए, नहीं तो देश और दुनिया आज जो आप पर थूकता है, आपने देखने का काम किया जब पप्पू यादव के लिए रिलीज ऑफ बिहार, रिलीज पप्पू यादव कहा गया तो पूरे देश और दुनिया में सबसे ज्यादा ट्वीट हुआ था 4 घंटा के अंदर। यह पप्पू यादव का नहीं, यह आम आवाम का आवाज था, गरीबों के मसीहा का आवाज था। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आज हम अपने क्रांतिकारी साथियों से एक निवेदन करना चाहते हैं कि इस क्रांति संपूर्ण क्रांति दिवस के मौके पर हम लोग शपथ ले कि जब तक पप्पू यादव का रिहाई नहीं होगा हम इस सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। पप्पू यादव